हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी अधिकारीगण, सभी आमंत्रित अतिथि, हम लोग संतों के लक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संतों के लक्षण क्या होते हैं? जिसके विपरीत हों वह असंत उनका आचरण करते हैं और संत इनका आचरण करते हैं। हम कुछ नहीं बन सकते तो थोड़ा प्रतिशत संत का बन सकते हैं, पर किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। आइए आज गुरु की कृपा की प्रार्थना करें कि जितने भी संत होते हैं सब गुरु रूप में ही आते हैं, चाहे वो तिरुवल्लुवर हो, चाहे वो नामदेव हो, चाहे वो ज्ञानेश्वर हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो और चाहे वो रामतीर्थ हो, ये सब के सब हमारे बीच में आते हैं और आकर के हमें संदेश दे करके जाते हैं। तो ऐसे गुरुजनों से हम प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु रूप भगवान, आप सूर्य के समान हैं, आप मन प्राण में प्रभु आप ही अभियान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिन मान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवान, आप ही दिन मान हैं। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान हैं। लोग लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मैं लिख के लाता हूँ, अपना प्रवचन बोलता हूँ आपके सामने, अखंड ज्योति के लेख लिखता हूँ, ये सब किसकी वजह से? ये हमारी वजह से नहीं है, ये सब उन्हीं की वजह से। जब तक हम ये भाव नहीं रखेंगे तब तक हमारे मन में अहंकार का बीज कहीं ना कहीं पैदा होता रहेगा। लेखनी जो भी लिखेगी आपकी ही योजना, आपकी योजना, आपका अभियान होगा आपकी संयोजना, आपका अभियान होगा आपकी संयोजना। आप ही हैं लेखनी प्रभु, आप ही हैं लेखनी प्रभु, आप ही सद ज्ञान है, आप है गुरु रूप भगवान, आप ही दिन मान है। आप है गुरु रूप भगवान, आप ही दिन मान है। प्रतिभा समर्पित आपको, श्वास तन मन सब समर्पित जिंदगी यह आपको, श्वास तन मन सब समर्पित जिंदगी यह आपको। आप में हमको मिला दो, आप में हमको मिला दो, आप गुण की खान है, आप है गुरु रूप भगवान, आप ही दिन मान है। आप है गुरु रूप भगवान, आप ही दिन मान है। Thank you.
से हम मिले बस आपकी चर्चा करेंगे। जिस किसी से हम मिले बस आपकी चर्चा करेंगे। आपसे सम्मल मिला जो हम उसे सार्थक करेंगे। आपसे संबल मिला जो हम उसे सार्थक करेंगे। हम तुम्हारे शीश हैं, हम तुम्हारे शीश हैं, इसका हमें अभिमान है। आप हैं गुरु रूप भगवान, गुरु रूप भगवन आप ही दिन मान हैं। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन आप ही दिन मान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन आप ही दिन मान है, आप ही दिन मान है, आप ही दिन मान है, आप ही दिन मान है। श्री राम स्वयं गुरु हैं और गुरु होने के साथ साथ हनुमान जी के गुरु हैं और पूरे विश्व के गुरु हैं, जैसे श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। परम पूज्य गुरुदेव इस युग के राम होने के, इस युग के श्री राम होने के कारण वे भी गुरु हैं, सदगुरु हैं हम सबके। इसलिए गुरु की आराधना जो भी हमने की, इस प्रार्थना को अंदर तक, अंदर हृदय से गाना चाहिए। कुछ प्रश्न हैं, सत्वगुण को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्वगुण को बढ़ाने के लिए सत्वगुण के मार्ग में आने वाले जो अवरोध हैं तो तमोगुण ही बनाते हैं हमें, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, अहंकार, लोभ, मोह, इन सबसे जितना हो सके बचने की कोशिश करना चाहिए। सत्वगुण बढ़ाना यानी अपने इंद्रियों में प्रकाश पैदा करना, अपने अंतर जगत में, अंतरात्मा में प्रकाश पैदा करना। सत्वगुण बढ़ाने के लिए स्वाध्याय निरंतर जरूरी है, तप जरूरी है और ईश्वर परिधान जरूरी है। ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति निष्ठा। हमारा अहंकार बार बार हमें खूंटे की तरह से अंदर से चुभ होता है, बार 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 बार, इस अहंकार से मुक्ति पाने की कोशिश करना चाहिए। सत्वगुण बढ़ेगा तो प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा धीरे धीरे आपको खुद अनुभव होने लगेगा, अंदर से मन शांत रहेगा, मन की प्रसन्नता अंदर से बाहर तक आपको ये लगे, ऐसा लगने लगेगा कि स्फूर्ति स्फूर्ति। कक्षा के प्रारंभ में श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती इस गीत को करेंगे बेटा। अभी चार, अभी तीन ही दिन हुए हैं, छः दिन हो रहे हैं अभी। प्रदीप नाम का अर्थ क्या होता है विस्तार से समझाइए। प्रदीप के नाम का अर्थ होता है, दीप नाम का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला, और प्रदीप ने प्रदीप्त दीपक, जो जलता हुआ दीपक, जलता हुआ दीपक, जलता हुआ दीपक। दीप, दीप तो ऐसा भी हो सकता है जो बिना जला हुआ रहे, जलता हुआ दीपक प्रदीप। अध्यात्म के विषय में पात्रता विकसित करने के लिए क्या करें? नवरात्रि से तात्पर्य क्या है, नवरात्रि मनाने का उद्देश्य क्या है, दो प्रश्न हैं। अध्यात्म के विषय में पात्रता अर्जित करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी कैपेसिटी जो आपके पास है उस कटोरे को भरने के लिए अपने आप को खाली करिए। लौकिक जीवन में पात्रता बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सांसारिक चीज़ें सीखते हैं, मैनेजमेंट के गुण सीखते हैं, मैनेजरल कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में हमें अपने जीवन को खाली करना पड़ता है, हमें अपने पात्र को खाली करना पड़ता है। हमारा पात्र यदि खाली नहीं हुआ तो हम अपने अंदर क्या भर पाएंगे, क्या अधिक से अधिक क्या भर पाएंगे। अधिक से अधिक भरना चाहते हैं तो पात्रता विकसित करने के लिए उपासना, साधना, आराधना, ये तीन रास्ते हैं। USA, उपासना, साधना, आराधना, इन तीन को जीवन में उतारिए। आप देखिए धीरे धीरे, देखते देखते उपासना के माध्यम से आपकी पात्रता बढ़ती चली जाएगी। नवरात्रि का मतलब होता है नव दुर्गाएँ। हमारे सुषुम्ना में नौ द्वार हैं, सुषुम्ना नाड़ी में, इसमें पूरे के पूरी जो हमारा वर्टेबल कॉलम है, वर्टेबल कॉलम में से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, उसमें नौ द्वार हैं। इन नौ द्वार से जो ऊर्जा निकलती है दुर्गा की, वो हमारी शक्ति है। इस
दुर्गा को इस नवरात्रि को दो बार मनाते हैं, वैसे चार बार होती है, हम लोग दो बार मनाते हैं, चैत्र नवरात्रि अश्विन नवरात्रि। और चैत्र नवरात्रि अभी मना रहे हैं, अश्विन नवरात्रि हम लोग मनाएंगे 25 से 26 सितंबर से। ये जो दोनों नवरात्रि हैं ये वास्तव में एक्चुअली दुर्गति का, दुर्गा का मतलब होता है, दुर्ग का मतलब होता है किला, और किले के ऊपर विजय प्राप्त करना, इस शरीर रूपी किले के ऊपर विजय प्राप्त करना, दुर्गति नाशिनी दुर्गा के माध्यम से। और दुर्गा क्या है? महिषासुर मर्दिनी है। हमारे अंदर में महिषासुर हो सकता है, हमारे अंदर भी किसी प्रकार की आसुरी वृत्तियाँ हो सकती हैं, इन आसुरी वृत्तियों को हम कैसे मिटा सकते हैं? नवरात्रि मनाने का उद्देश्य है अपनी आगे की तैयारी। इसके बाद गर्मी आने वाली है, ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर लें, अपने आप को तैयार कर लें, और अपने आप को तैयार करके हम चैत्र और वैशाख में आने वाले जो विकार हैं, अभी से देखो मच्छर आने लगे, अभी से देखो गर्मी ठंडी के प्रकोप बार बार हो रहे हैं, इसका मतलब ये मौसम बदल रहा है, मौसम के चेंजेस, इसमें बीमार होने के चांसेस हैं। इन 9 दिनों में आहार पे संयम करके, इन 9 दिनों में अपने ऊपर संयम करके, अपने विचारों पे संयम करके, हम अपने आप को 6 महीने के लिए तैयार कर लेते हैं। 6 महीने बाद फिर नवरात्रि आ जाती है, तो फिर हम 6 महीने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो एक प्रकार से ये आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को संगठित करना, अपने आत्म जगत को संगठित करने की प्रक्रिया है नवरात्रि। विनम्र निवेदन है कि नवरात्रि में एक दिन हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो, ये फरमाइशें लिख लेना यार कहीं ना कहीं, हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो, ये गीत कर लेना, ठीक है ना। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उसे कीलक और निष्कीलक कैसे कहते हैं? मैं तुम्हें दुर्गा सप्तशती लाया हूँ, तुम्हें जरा सुनाना चाहता हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। सबसे पहले 9 दिन का पाठ करना हो अगर तो कैसे करें, ये मेरी अपनी दुर्गा सप्तशती है, इसमें डेली पाठ करना हो अगर, 7 दिन पाठ करना हो अलग और 9 दिन पाठ करना हो, तो इसके अलग अलग नियम हैं। डेली पाठ के नियम में अलग बातें हैं, पर 7 दिन और 9 दिन का बताया था मैं। पहले दिन 7 दिन का पाठ करना हो तो जैसे 8 दिन की नवरात्रि है इस बार, 9वें दिन पूर्णा होती है, 9 दिन का पाठ करना हो अगर तो पहले दिन जो प्रतिपदा का दिन है उस दिन कवच और कीलक, इसको आपको अपने कीलकम एंड कवच ये दोनों के साथ करना चाहिए। और दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन पहला अध्याय, पांचवे दिन 5, 6, 7, 8, छठे दिन 9वां 10वां, 7वें दिन 11वां अध्याय, 8वें दिन 12वां 13वां अध्याय, और 9वें दिन रहस्य और उसके साथ साथ सूक्तम। ये मैं एक कागज़ में प्रिंट करा के मैं दे दूंगा हर एक को, तो तुमको मिल जाएगा, तुम इसको नोट कर लेना, इसके हिसाब से तुम दुर्गा सप्तशती को पढ़ सकते हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन में भी कर सकते हैं और साप्ताहिक भी कर सकते हैं, महीने में एक बार किसी एक सप्ताह में भी कर सकते हैं। साप्ताहिक करना हो तो कैसे करें, पहले दिन चैप्टर 1, दूसरे दिन चैप्टर 2, 3, तीसरे दिन चैप्टर 4, चौथे दिन 5, 6, 7, 8, पाँचवें दिन 9, 10, छठे दिन 11वां और 7वें दिन 12वां 13वां। इसमें चरित्र हैं, अलग अलग चरित्र हैं, अलग अलग चरित्र हैं, अलग अलग चरित्रों का पाठ है, और एक प्रकार से ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन की जो आसुरी वृत्तियाँ हमारे चारों तरफ से आक्रमण करती रहती हैं उनके बारे में वर्णन है, उनसे जूझने की वृत्ति है इसके अंदर दी गई। दुर्गा सप्तशती तंत्र का ग्रंथ नहीं है, दुर्गा सप्तशती एक प्रकार से साधना, एक वैदिक सौम्य साधना का क्रम। तुम में से कितने लोग जो आदिशक्ति की अंतर जगत, आदिशक्ति की लोक यात्रा पढ़ते हो, तुम लोग अखंड ज्योति पढ़ते हो, अखंड ज्योति में पढ़ते हो ना तुम लोग, उसमें अभी तक हम लोग काफ़ी दे चुके हैं, करीब करीब 65 दे चुके हैं, तो इसमें आगे निरंतर एक एक श्लोक की व्याख्या आती जाएगी, इसको पढ़ने की कोशिश करना। ये जो जन्म और अवतार में अंतर स्पष्ट करें, जन्म जो होता है वो सामान्य होता है, अवतार जो होता है वो अवतरण होता है, हम सबका अवतार हुआ है इस धरती पर हम पहचान नहीं पाते, हम सामान्य जन्म मान बैठते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे जन्म जो है वो कर्म दिव्य होते हैं, जिसके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं वो शुरू से पहचान में आ जाता है। उन्होंने शुरू से राक्षसों को मारना चालू कर दिया, शुरू से दिखा दिया उन्होंने, यशोदा की रस्सी में बांधने में नहीं आए, ये अवतारी प्रक्रिया ऐसी होती है।
पर अवतार के जो गुण हैं वो सबसे बड़ी गुण है, सबसे बड़ी क्वालिटी है अवतार के गुण। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब बता सकते हैं? अवतरण, डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, और एसेंट ऊपर उठना, उसको क्या बोलेंगे? ऊपर उठना। तुम लोग कुछ बोले? हाँ, आरोहण श्री अरविंद ने उसको यूज किया है ना, ऊपर की ओर चलना। तो मनुष्य निरंतर ऊपर की ओर चलता रहे, परंतु ऊपर से भगवान की चेतना उतर करके हमारे अंदर प्रवेश करेगी, ये अवतार है। तो अवतार जब आते हैं तो अपना आने का परिचय भी दे देते हैं। काव्य कला के बारे में किस वांग्मय में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें? गुरुदेव ने करीब 4-5 वांग्मय में इसके बारे में लिखा है, परंतु जो काव्य के बारे में जो पद्य है ये 71वां से लेकर 78वां नया वांग्मय आ रहा है। 71 से 78 वांग्मय जो आएगा वो उसमें सब काव्य है, पूरा का पूरा। काव्य की भूमिका भी है, मैंने लिखी है उस भूमिका को, और 78 तक की भूमिका के बाद फिर अन्य करीब 100 वांग्मय हो जाएंगे। अभी हमारे पास 70 वांग्मय हैं, फिर 100 वांग्मय हो जाएंगे। आपने कहा था कि इंटर्नशिप से वापस आ जाने पे एक दिन होली का प्रोग्राम रखेंगे, मैंने कहा तो नहीं कहा था। होली हो गई भाई, होली हो गई बेटा उसके लिए मौका आएगा तब देखेंगे, अभी सब लोग पढ़ाई करेंगे। मैं अपने बाहर की यात्रा पर जाऊँगा, प्रवास पर जाऊँगा, पर देखेंगे, मौका देखेंगे, 8 तारीख के बाद देखते हैं। अगर किसी पर विश्वास अटूट हो, उस पर शंका होने लगे तो उसके क्या कारण है? किसी पर विश्वास हो अगर तुम्हारा अटूट, और उस पर शंका होने लगे, जैसे तुमको मेरे पे शंका होने लगी कि होली के बारे में बोला और होली नहीं कर रहे, तुम्हारा मन है होली करने का? फूल बर्बाद नहीं होने देंगे ज्ञान मिश्र जी भाई साहब, फिर से बर्बाद होने देंगे? किस बहाना क्या बनाएंगे? वसंत ऋतु का क्या बनाएंगे बताइए? आधा घंटा एक घंटे की कोई होली कर लेंगे किसी तरह से। चलो, कोई अगर आपको वादा करे और उस पर वो अड़िग न रहे तो कैसे करें? अभी ताली तब बजाना जब अपन दिन डिक्लेयर करेंगे तब। अगर किसी पर विश्वास हो उस पर शंका होने लगे, देखो शंका किसी भी कारण हो सकती है। देखो ये हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, ये हमारी बातों पर नहीं चल रहे हैं। विश्वास किसी पर अटूट हो तो विश्वास करने के पहले सोचो, 10 बार सोचो विश्वास किसी पर करना क्यों करना। विश्वास कर लिया तो फिर उस पर विश्वास को उस पाश पे अटल रहना, और उसको बार बार बताते रहना कि आपने हमको ये बताया था, आपने हमें कहा था। मित्रों में आपस में विश्वास टूटता है जब हम अनावश्यक रूप से अपेक्षा करने लगते हैं उससे। अंतःकरण अंदर की आवाज़, मन की आवाज़, दिल की आवाज़, दिमाग की सुनना, अंतचक्षु देखना, इन सब में अंतर क्या होता है? अंदर की आवाज़ होती है, बाहर की आवाज़ होती है। बुद्धि की आवाज़ होती है, विचार की आवाज़ होती है, अहम की आवाज़ होती है, और अंतर जगत की अंतःकरण की आवाज़ होती है। ये अंदर से बोलती है कि ये काम गलत है, मत करो, पर आप बुद्धि की आवाज़ से उसको दबा देते हो, और दबाने के बाद आप जो है वही करने लगते हो जो आपकी बुद्धि कह रही, क्योंकि बुद्धि इंद्रियों के नियंत्रण में। समझ में आया? पूरे के पूरे सब पूरे प्रश्न का जो कचूमर बनाया था उसका जवाब ये है। द साइंस ऑफ स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी, इफ यस एक्सप्लेन इट। साइंस ऑफ स्पिरिट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज साइंस ऑफ इनकल्केटिंग गुड क्वालिटीज वर्च्यूज विच एनहांस द क्वालिटी ऑफ स्पिरिट। स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है सद्गुणों, सत्प्रवृत्तियों, श्रेष्ठताओं को अपने जीवन में उतारने की कला, अंतर जगत में अच्छाइयों को, श्रेष्ठताओं को उतारने की कला, यह अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी दो वर्ड हैं, स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म इज साइंस ऑफ स्पिरिट्स। साइंस ऑफ स्पिरिट्स क्या होती है बताओ? स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? कई बार गलत यूज करते हैं लोग वो वर्ड, तुम में से कई लोग इंटर्नशिप पे फिर जाओगे बाद में गलत यूज करोगे वर्ड। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत विद्या, बिल्कुल सही। साइंस ऑफ स्पिरिट्स भूत प्रेत विद्या। साइंस ऑफ स्पिरिट्स इज नॉट स्पिरिचुअलिज्म, इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। भूत प्रेत विद्या, साइंस ऑफ स्पिरिट्स जो है वो अलग चीज़ है। साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इन्वॉल्विंग, इनकल्केटिंग, इम्बाइबिंग बार बार अपने जीवन में सद्गुणों को, सत्प्रवृत्तियों को, श्रेष्ठताओं को उतारने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं। आपने कहा था कि मौन साधना में
इशारा या हाथ या माउथ का मोशन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मौन व्यक्ति को कोई जरूरत हो गई तो लिख के दे दो ना, उसमें क्या दिक्कत है, लिख के दे दो ना हाथ में। एक बार एक स्वामी जी मेरे यहाँ आए, उन्होंने कहा कि मेरा मौन है, मैं आपको लिख के दूंगा। मैंने कहा आपने तो बोल दिया भाई, बोल दिया कि मौन है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक, उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने लिख के दिया, मैंने लिख के जवाब दिया उनको। तो उन्होंने कहा आप तो बोल सकते हैं। मैंने कहा आप जब मौन होके बोल सकते हैं तो फिर मैं बोलते हुए मौन क्यों नहीं कर सकता। तो बेटा ये जो जेस्चर लैंग्वेज है ना, इसको उपयोग करने से दिक्कत। ये ऊपर जो बच्चा दौड़ रहा है इसको कोई रोक सकता है? जो उसके माता पिता हैं, बच्चे को यहाँ से वहाँ तक दौड़ने का मज़ा आ रहा है उसको, तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ विघ्न पड़ता है। ऊपर जो बैठी हैं माताएं बहनें, उसको बच्चे को संभाल लें या लेकर के बाहर चले जाएं। ये यहाँ कोई जिमनेशियम नहीं है या कोई खेलकूद का मैदान नहीं है, ये क्लास चल रही, गंभीर क्लास। कोई अपना सीनियर बच्चा हो, वरिष्ठ बच्चा, कोई स्वयंसेवक ऊपर जाके देख ले। अध्यात्म के विषय में पात्रता विकसित करने के लिए क्या करें? ये तो हो गया, हो गया। चलो गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज नवरात्रि के तीसरे दिन यहाँ बैठे सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए फैकल्टीज़ के सभी सदस्य, सभी हमारे आचार्यगण, आचार्य बहनें, हमारे बीच में बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और हमारे आमंत्रित अतिथिगण, हम लोगों ने अरण्यकांड का वर्णन सुना। अरण्यकांड का वर्णन सुनने के पहले आज का दिन चंद्रघंटा का है। चंद्रघंटा तीसरा दिन चंद्रघंटा देवी का होता है। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में चेतना के विकास का पहला चरण निकला जब वो अंकुरित हुई। मैं हर दिन पहले दूसरे तीसरे से बताऊंगा। चेतना पाषाण भेद कर अंकुरित हुई पर्वत के कन्या के रूप में, पर्वत भेद कर, और तपस्वी जीवन हेतु संकल्पित हुई। ये दुर्गा का प्रथम रूप था पार्वती। दूसरे रूप में पार्वती ब्रह्मचारिणी बन जाती है, ब्रह्मचारी का आचरण करती है, श्रेष्ठतम तपश्चर्या करती है, ब्रह्म की धारणा जीवन में उतारती है, प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा करती है। और तीसरी जो स्थिति है चंद्रघंटा, इसमें साधना की स्थिति में प्रथम अनुभव होने लगता है, पहला अनुभव, पहला दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद उसे दिखाई देने लगता है। यह आध्यात्मिक प्रकाश है या आध्यात्मिक नाद है। ऊर्ध्वगमन, चेतना का ऊर्ध्वगमन, ये विकास की यात्रा है। 9 दिन की नवरात्रि 9 दिन तक चलने वाली विकास की यात्रा है। उत्तरोत्तर उठते उठते पार्वती निर्मल होते लगती हैं, निर्मल होने लगती हैं, दुर्गा निर्मल होने लगती हैं। हमारे अंतर जगत में हमारी चेतना निर्मल होने लगती है, हमारे अंदर जो भगवान की शक्ति है, प्रकृति की शक्ति है, माया की शक्ति है, वो निर्मल होने लगती है। आइए आज हम इसकी बात करें। सावधान मानद मदहीना, रामायण ले आए क्या? कितने लोग लाए? 1 2 3 छोटा वाला गुटका ले आओ, सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ समझ में नहीं आया तो मैं बैठा हूँ ना अर्थ समझाने के लिए, है ना? लाने नहीं देते, बाहर नहीं जाने देते। तो ऐसा करेंगे कि वार्डन से कह देते हैं, वार्डन खरीद लेंगे ढेर सारे, आपको ही दे देंगे, ठीक है? आप मंगा लीजिए, मिसेस शर्मा बैठी, आप मंगा लीजिए, पहले इनसे पूछ लीजिए, ऑप्शंस पूछ लीजिए कितने लोग। निवेदिता हॉस्टल के वार्डन बैठे हैं,
आप मंगा लीजिए और उसके बाद इन सबको बांट दीजिए जितने भी हैं, कॉस्ट अगेंस्ट कॉस्ट है ना, कॉस्ट है। बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन बैठे हैं, टीसी शर्मा साहब बैठे हैं, आप मंगा लीजिए इन सब के लिए, इनको दे दीजिए, इनके जीवन के लिए बहुत बड़ी विभूति बन जाएगी ये, है ना। उसमें अंडरलाइन करते चलोगे तो अच्छा रहेगा। 3 दिन तो निकल गए, मैं तुमको नोट भी करा रहा हूँ। हाँ, ये जो 44वां दोहा है अरण्यकांड का, उसका 5वां प्रसंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सावधान मानद मदहीना, कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने क्या बताया था, अमित बोध अनिहमित भोगी, बहुत सुंदर, सत्यसार कवि कोमित जोगी, उसके आगे चल रहे हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, आज इसी एक लाइन को डिस्कस करेंगे। है? क्या हुआ, एक बोलो कोई, रिपीट किया है, ये हो गया है। सावधान SAVDHAN, इंग्लिश में बोलूं मालूम नहीं, मुझे लगता है तुम लोग सब इंग्लैंड से आए हो, अमेरिका से आए हो तुम। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। धर्म और गति शब्द एक साथ हैं, धर्म की गति है ना, धर्म गति, परम प्रवीणा, परम प्रवीणा एक साथ है, इनकी व्याख्या करते हैं। संत का मतलब होता है रूपांतरित जीवन, संत का मतलब होता है परिष्कृत अंतःकरण, संत का मतलब है पूरी तरह से जीवन बदल गया, अब हम बदल गए, हमने केवल वेश ही नहीं बदला बल्कि हमने अपने जीवन को बदल लिया। आकृति वही है पर प्रकृति बदल जाती है पूर्णतः। संत के लक्षण रूपांतरित जीवन के लक्षण होते हैं, ये भूमिका बना रहा हूँ थोड़ी सी मैं। संत के लक्षण रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म्ड एक व्यक्ति के लक्षण हैं। मनुष्य अनगढ़ है, दुर्गुणों सद्गुणों के समुच्चय के मध्य जीता है। मैंने कहा था ना, दुर्गुण इधर सद्गुण इधर, बीच में ब्रिज है, उस बीच में बैठा हुआ है। वो कब दुर्गुणों की तरफ चला जाए मालूम नहीं, कब सद्गुणों की तरफ चला जाए मालूम नहीं, तो सद्गुणों की तरफ खींच करके लाने का काम संत करते हैं। यही जीवन भगवान के संस्पर्श में आ जाए तो, भगवान उसे छू ले तो आश्चर्यजनक ढंग से जीवन बदल जाता है। जैसे ही स्पर्श भगवान का मिलता है संत को, वैसे ही जीवन बदल जाता है पूरी तरह से। प्रयास ये होना चाहिए कि हम देखें कि भगवान की ओर हम निरंतर कितना आगे बढ़ रहे हैं। साधना का मतलब होता है भगवान की ओर निरंतर आगे बढ़ना, उत्तरोत्तर आगे बढ़ना, स्लोली स्लोली वॉक टुवर्ड्स गॉड, स्लोली स्लोली वॉक टुवर्ड्स गॉडली कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे भगवान की भगवत्ता को जीवन में उतारना। रातों रात भगवान नहीं आ जाएगा हमारे जीवन में, भगवान धीरे धीरे आएगा। भगवान के गुण हम जैसे जैसे उतारते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम अच्छे बनते चले जाएंगे, भगवान जैसे बनते चले जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, संत को धीरे धीरे अपने साथ लेते चले जाते हैं। साधु का अभिनय एक अभिनेता भी कर सकता है, और साधुता रूपांतरित प्रकृति का नाम है। साधुता का मतलब जो होता है रूपांतरित प्रकृति। जैसे जैसे परमात्मा चेतना अंदर अवतरित होती है, वैसे वैसे जीवन की प्रकृति स्वभाव सहज ही बदल जाता है। जैसे जैसे परमात्मा हमारे अंदर आता जाता है, हम बदलते चले जाते हैं, हमारे अंदर का शैतान समाप्त हो जाता है, हमारे अंदर की जो बुरी प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। महावीर दिगंबर रहा करते थे, बिना किसी कपड़े के रहा करते थे। दिगंबर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? दिगंबर, दिशाएं ही जिसकी, कि कौन ने बोला, बहुत सुंदर बोला, कौन है, ताली बजाओ भी। दिशाएं ही जिसकी वस्त्र हो, तो वो नंगे नहीं है, वो नग्न नहीं है, वो दिशाएं ही उनकी वस्त्र हैं, दिशाएं उनको ढक लेती हैं चारों तरफ से, और वो होते तो वस्त्र रहित होते हैं पर कपड़े उतारे नहीं उन्होंने, वो देह के पार चले गए, देह बोध के पार चले गए, वस्त्रों का भाव ही नहीं रहा। जैन पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि महावीर ने 12 वर्ष की तीव्र साधना की और धीरे धीरे मन उठता चला गया, देह की चिंता विस्मृत हो गई। तपश्चर्या में आत्मलीनता बढ़ी, और जिसे देह की चिंता नहीं वह कपड़ों की चिंता कौन करेगा। भाई जिसे देह की चिंता नहीं है, हमारे शरीर का क्या हाल है, वो कपड़ों की चिंता कौन करेगा, आपने पहने कि नहीं पहने। मेरे पिताजी जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज, और
बहुत बिजी रहते थे सुबह शाम तक कोर्ट के केस में, और इसमें सब जब आते थे तो आने के बाद वो बैठे, कोई मिलने आया तो कपड़े सूखे रहते, सूखते रहते थे, तो उसमें पजामा भी होता था और माँ का पेटीकोट भी होता था, तो वो कोई आया मिलने तो वो पेटीकोट उतार के चल दिए पहन के चल दिए, हम लोग भागे पीछे, पापा 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 पापा, क्या पापा पापा कर रहे, चलो बैठो अंदर और वो पेटीकोट पे मिल के चले आए वकील साहब से, जज साहब से, जज साहब बहुत प्रेम, खूब हंसते रहे प्रेम से, उसके बाद जज साहब चले गए, तो पापा ने आके पूछा क्यों जज साहब क्यों हंस रहे थे मुझे देख, फिर हमने कहा पापा देखो तो सही नीचे क्या तो उन्होंने कहा अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो भी वस्त्र, कम से कम वस्त्र तो पहन रखे मैंने, चाहे मम्मी के हों चाहे पापा के हों किसी के भी पहन तो रखे। मैं ये मजाक के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वस्त्र तो जो है एक प्रकार का आवरण है, पर जिसको देह की चिंता नहीं है वो वस्त्र की चिंता क्यों करेगा, इन्हें शीत ताप और आदि की अवस्था भी अव्यवस्था भी नहीं दिखती और ये देह की चिंता नहीं करते, प्रतिष्ठा के लिए दिगंबर रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिगंबर बनना चाहते हैं, पर वो दिगंबर रहते हुए भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो बार बार नाटक करते हैं, दिगंबर होने का बार बार नाटक करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी जैन स्वामी का, किसी जैन संत का, सिद्ध का नाम नहीं लूँगा, पर मैं उदाहरण लूँगा। एक सज्जन मित्र से मिलने गए, दरवाजा खटखटाया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा, आधे घंटे तक दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने खिड़की से देखा, उन्होंने देखा कभी तो कपड़े निकालते हैं नंगे हो जाते हैं और कभी कपड़े पहन लेते हैं, कभी कपड़े निकालते हैं कभी कपड़े उतारते हैं। आधे घंटे तक जब ये चलता रहा तो उन्होंने खिड़की खटखटाई, अरे क्या कर रहे हो नाटक, ये कपड़े उतारते हो कभी कपड़े निकालते हो। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया कपड़े पहन करके और कहा भाई हमारा दिमाग नहीं ख़राब हुआ, हमने निर्णय ले लिया है कि हम जैन मुनि बनेंगे, जैन मुनि बनेंगे, तो हम कपड़े उतारने का अभ्यास कर रहे हैं, कपड़े उतारने का अभ्यास कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि हमें शर्म तो नहीं आएगी कहीं हमको। उन्होंने कहा दूसरे जो व्यक्ति आए थे उन्होंने, हमको झांकना नहीं चाहिए था, भाई चक्कर क्या है, हम तैयारी कर रहे हैं, समाज में दिगंबर साधु का बड़ा मान है, हमने देखा है करोड़ों रुपए उनके चरणों में लौटते हैं और हमने देखा है कि ढेरों सुंदर स्त्रियां उनके चारों तरफ घूमती हैं, तो आप उसके लिए साधु बन रहे हैं, आप दिगंबर हो जाएंगे तो और पोल खुल जाएगी आपकी, आप मत बनिए, आप तो वस्त्र पहने ही रहिए, आप मत बनिए। एसी में रहते हैं दिगंबर साधु और रजाई ओढ़ लेते हैं ऊपर से, क्योंकि ठंडक लगती है ना, कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ऊपर से रजाई ओढ़ लेते हैं। मैंने ऐसे कई साधुओं से, मैं जैन साधुओं से कईयों से मिला हूँ और मैंने देखा है कि उनमें, मैंने अगर 25 से मिला हूँ तो उनमें एक या दो ही असली साधु मिले हैं, बाकी सबके सब नकली साधु हैं। ये क्या है, आप समाज को आकर्षित करके क्या बताना चाहते हैं? ये जो महावीर थे ये एक सही अर्थों में विलक्षण साधु थे, सही अर्थों में विलक्षण साधु थे। ये इनसे पूछा गया कि आप जो है क्यों बनना चाहते हैं, बोले बिजनेस चला नहीं, सोचता हूँ कि अब यही कर डालूँ, कपड़े वपड़े उतार डालूँ तो पैसे वैसे आ जाएंगे मेरे पास, साधु बन जाएंगे, अभ्यास कर रहे हैं, एक दिन अभ्यास करते करते साधु बन जाएंगे। अभ्यास की बड़ी महिमा है, लेकिन वह केवल शरीर तक विकसित हो, शरीर तक सीमित हो तो कोई फायदा नहीं, अभ्यास गहराई तक जाना चाहिए, अभ्यास अंतर जगत तक जाना चाहिए, अंतर जगत तक जाना चाहिए, और अभ्यास मन को उठाने का होना चाहिए, न कि अपने को मन की चेतना जो है वो देह को पार करती है कि नहीं, ये देखना चाहिए, मन उठे और देह की चेतना को पार कर जाए। तो एक आचार्य शंकर ने, आदि शंकर ने एक बड़ा अच्छा सुंदर सूत्र लिखा है, कौपीन पंचक, आप में से किसी को मालूम है कौपीन पंचक? कौपीन पंचक किसी को याद है संस्कृत में? कौपीन पंचक, कौपीन पंचक में 15 श्लोक हैं टोटल, है ना। इस कौपीन पंचक में आदि शंकर ने कहा है, क्या लिखा है, कौपीन वंत खलु भागवंत, कौपीन यानी वो वस्त्र जिससे हम अपने आप को ढकते हैं। उन्होंने कहा कौपीन वंत खलु भागवंत, बड़े भाग्यशाली होते हैं, देहादि देव परिवर्तयंताम, देहादि देव परिवर्तयंताम अशोक मंत कर्णम चरंत, अशोक वर्णम मंत कर्णम चरंत। अर्थ ये
कि लंगोटी बना लगाने वाले अद्भुत हैं, भाग्यशाली हैं। उनने ये सोच लिया है कि देहादि भाव जो है वो परिमार्जित हो सकता है, रूपांतरण घटित हो गया है, शोक आता ही नहीं है, अशोक बना रहता है हमेशा। वे रूपांतरित व्यक्ति भाग्यशाली हैं जो जीवन को ऊपर नहीं उठा पाते, उनके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं। गोस्वामी जी और काकभुषुंडी में संवाद होता है, तो काकभुषुंडी जी पूछते हैं, वह दुख कवन कवन सुख भारी, कौन सा दुख बहुत सीवियर होता है और कौन सा सुख भारी होता है, दोनों के बीच में बताइए अंतर, कौन सा दुख ज़्यादा, जैसे तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो ऐसे काकभुषुंडी गरुड़ काकभुषुंडी से पूछ रहे हैं। बड़ दुख कवन, कौन सा बड़ा दुख होता है, कवन सुख भारी, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्र से ज़्यादा बड़ा, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, और संत मिलन सम सुख जग नाही, ये चौपाई लिखने लायक है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, ये उत्तरकांड में आया है। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन से बड़ा कोई दुखी नहीं है, सुखी नहीं है, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। अब क्यों, आप अगर लंगोटी भी लगा लोगे और कपड़े भी उतार लोगे तो भीख मांगोगे, भीख मांग के क्या करोगे, ये दरिद्रता मनस्थिति अगर दरिद्रता वाली है तो आप दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। गुरुदेव ने कहा हमने ओढ़ी हुई गरीबी को अपनाया है, ओढ़ी हुई गरीबी, हम चाहते तो हम भी ठाट बाट से रह सकते थे, हमने शिष्यों को भी ठाट बाट से रख सकते थे, पर नहीं, हमने ओढ़ी हुई गरीबी को अपनाया है। और जो गरीबी है वो परिस्थिति जन्य होती है, गरीबी परिस्थिति जन्य होती है, यह सोचना कि सब प्रणाम करने लगेंगे, रूपांतरण तो हुआ ही नहीं, हम अपने कपड़े जीर्ण शीर्ण पहनते हैं या हम पीले कपड़े पहनते हैं या हम गेरुआ कपड़े पहनते हैं या हम कुछ नहीं पहनते, ये सोच के कि हमको लोग चरणों में सामग्री दे देंगे लाकर, रूपांतरण तो हुआ ही नहीं। संत के अंतः में परमात्मा विराजते हैं, संत के अंतः में परमात्मा विराजते हैं, इसी वजह से कबीरदास जी ने लिखा है, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे हरि फिरता है, क्यों, क्योंकि संत जा रहा है, संत के अंदर में मैं विराजमान हूँ, इसलिए मैं उसके पीछे चलूँगा, वो उपराम हो जाता है, उपराम यानी ऊपर उठ जाना, उपरति हो जाती है संतों की। गोस्वामी जी इनके लिए कहते हैं, इनके लिए कहते हैं, यहाँ अब अपनी लाइन आती है, सावधान मानद मदहीना, हे संत तू सावधान रहना, सावधान होशियार सावधान, अपने गीत है ना, सावधान होशियार सावधान, हाथ में उठा मशाल युग रहा तुम्हें पुकार, सावधान होशियार, ये सावधान वर्ड बड़ा सरल बड़ा मुश्किल है, उठो जागो और रुको मत, ये सावधान है, सावधान, अटेंशन, एनसीसी में स्काउटिंग में अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या होता है, सावधान, अपने आप के प्रति सावधान हो जाओ, हम कहते हैं ना आपको सावधान, स्थिर शरीर शांत चित्त, सावधान का मतलब क्या है, अब अलर्ट हो जाओ, तो ये संत जो है हमेशा सावधान स्थिति में रहना चाहिए, सावधान की स्थिति में रहना चाहिए, जागृत होशपूर्ण स्थिति में जीना सावधान कहलाता है, जागृत होशपूर्ण स्थिति में जीना, यूं तो कई लोग जागते रहते हैं, फिर क्या जरूरत थी उस दिन जो कल जो श्लोक सुनाया था और गोपाल ने उसकी पूर्ति की थी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, क्यों क्या जरूरत थी, उठो जागो, उठो फिर जागो, देखो तो सबसे पहले तुम सोते हो तो तुम क्या करते हो, जाग जाते हो कि उठते हो, पहले नहीं पहले उठते हो, पहले उठते हो तुम फिर जागते हो, जब तक बाथरूम नहीं हुआते ब्रश नहीं कर लेते चाय नहीं पी लेते तब तक तुम जागते नहीं हो, कई बार सुबह से लेकर शाम तक तुम सोते रहते हो शाम को जागते हो तुम, बड़े घरों में जो लोग हैं शराब का प्याला जब तक मुंह में नहीं चला जाए रात को होटल में फाइव स्टार होटल में और खाना नहीं खा ले वहाँ का तब तक नहीं जागते, रात के 2 बजे तक जागते रहते हैं 3 बजे तक जागते रहते हैं 4 बजे तक जागते रहते हैं, उनका जागना रात को होता है, सुबह से शाम तक वो होश में नहीं रहते बेहोश रहते, इस स्थिति से जागना जागना कहलाता है, जागना इसके होशपूर्ण जागृति, हमारा इंसान का दिमाग जो है ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं 13% जगा हुआ है, 13% जागृत है सक्रिय है, बाकी जो है हिस्सा हमारा सोया हुआ है, वैज्ञानिक कहते हैं जीवन की थोड़ी गतिविधियां हमारी ऐच्छिक हैं,
वॉलंट्री हैं, थोड़ी गतिविधियाँ हमारी, बाकी शेष सभी अनैच्छिक हैं, अनवॉलंट्री, ऑटोनॉमिक है, स्वचालित हैं। रक्त परिभ्रमण बंद कर सकते हो तुम? मैं कहता हूँ तुम्हारे कंट्रोल में है अगर सब कुछ, तुम रक्त परिभ्रमण बंद कर सकते हो, हृदय को बंद कर सकते हो, लंग्स को बंद कर सकते हो, चल ये सब के सब स्वचालित है। तुम बैठे हो, खाना खा रहे हो, सांस ले रहे हो, सब चल रहा है, सब अपने आप चल रहा है, बंद नहीं कर सकते। बंद कर सकते हो फिर बंद कर सकते हो तो फिर चालू कर सकते हो? नहीं, चालू भी नहीं कर सकते। इंसान जो है वो योग की भाषा में स्लिप वॉकर है, सोमनेम्बुलिज्म में जीता है, स्लिप वॉकर है इंसान, एक प्रकार से योग की भाषा में सोता हुआ प्राणी है, हम सोते हुए प्राणी हैं, हम होश में जीते ही नहीं हैं सुबह से शाम तक। जिस दिन होश आ जाए उस दिन योग अनुशासन के रूप में हमारे जीवन में आ जाता है, जिस दिन होश आ जाए उस दिन योग अनुशासन के रूप में हमारे जीवन में आता है, फिर हम जाग जाते हैं, फिर हम अलर्ट हो जाते हैं। तो जो अलर्टनेस है वो जागृति है, सावधान उसको कहते हैं। सोते सोते कई बार लोग काम कर लेते हैं, सामान्य जीवन जागृत नहीं है, आज होशपूर्ण नहीं है, विवेकपूर्ण नहीं है। जागृत होशपूर्ण विवेकपूर्ण जीवन सावधान जीवन कहलाता है, सावधान विवेकपूर्ण जागृत जीवन ये कहलाता है सावधान वाला जीवन। मात्र अचेतन अवचेतन सक्रिय है, हम निद्रा मूर्छा में, अधिकांश व्यक्ति हम में से 90% व्यक्ति निद्रा और मूर्छा में रहते हैं सुबह शांत है। समझ में क्या आएगा क्लास में? फिर अगर निद्रा और मूर्छा की स्थिति में रहोगे, आधी नींद रहेगी, सुबह देर से उठे हो, सुबह नींद पूरी नहीं हुई या रात को देर तक जगे, अधिकांश लोग मैं आजकल देखता हूँ, अधिकांश लोग रात के दो बजे तीन बजे तक पढ़ते हैं। मुझे नहीं मालूम कितना याद रहता है, पर मैंने अपने जीवन में अभ्यास किया सुबह 3 बजे उठने का, 3 बजे, ढाई तीन बजे उठने का, और मैं जल्दी 9 बजे 9:30 बजे सो जाता था और सुबह आराम से 2:30 बजे उठता था, तो मैं फ्रेश रहता था। फिर नींद आती होगी दिन में? हाँ, दिन में आती थी नींद। कब आती थी? जब स्कूल से या कॉलेज से लौट के आते थे तो आधे घंटे के लिए योग निद्रा ले लेते थे, बस चुपचाप कहीं भी लुढ़क गए और कैट नैप जिसको बोलते हैं, कैट नैप, बस वो ले ली, उसके बाद फिर शाम तक स्फूर्ति। ये जो हम निद्रा और मूर्छा में जीते हैं, हमें होश ही नहीं रहता। कई बार कुछ काम ऐसे कर बैठते हैं, हम कहते हैं हमें होश ही नहीं था, हमें मालूम नहीं था हम कैसे हो गया हमसे। संतों की निद्रा भी समाधि स्थिति में रहती है, संतों की निद्रा समाधि स्थिति में रहती है। संतों के बारे में गीता में एक बहुत अच्छा वाक्य है, या निशा जागृति, तुमको पता है उस श्लोक को, दूसरे अध्याय का, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी के लिए वो जागृति का नाम है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। ये श्लोक बड़ा मर्म वाला है, किसी दिन इसी एक श्लोक के ऊपर व्याख्या गीता के अंतर्गत करेंगे, बहुत बड़ा मर्म वाला है। उनके लिए वो रात्रि के समान है, इनके लिए दिन के समान है, जस्ट उल्टा है, जस्ट उलट बासी। संतों की निद्रा भी समाधि स्थिति में रहती है। एक बार हम गुरुजी के पास गए, लेख लेके जाते थे सवेरे में लिखता था, और मेरे साथ साथ जितेंद्र भैया और एक दो और लोग, संदीप जी आप भी आते थे, लेख लेके आते थे। तो हम लेख सुनाते थे गुरुदेव को, गुरुदेव लेख सुनते थे, फिर उसमें करेक्शन कराते थे, कई तरह की बातें होती थी। गुरुजी के पास पहुँचे, शायद लेख आज लेखन नहीं होगा, क्यों, सो रहे थे गुरुजी, आंखें बंद करके लेटे थे। उसी दिन उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी हुई थी, बेटे की बेटी की, मंदाकिनी, जो हमारे बोर्ड ऑफ एकेडमिक्स की मेंबर भी है, पीएचडी है, डिलिट है फिलॉसफी में, उसने उसकी 1989 की बात है मैं बता रहा हूँ, उसकी उसी दिन शादी हुई थी। हमने सोचा शायद थक गए होंगे गुरुदेव, क्योंकि वो चली गई आज, तो उसकी वजह से परेशान होंगे, पर गुरुदेव तो निरपेक्ष भाव से, संत को कोई किसी चीज़ में लिप्त नहीं होती, वो लिप्त नहीं होते। एक घंटा बैठे रहे हम लोग, एक घंटे तक धैर्य रखा। एक घंटे बाद गुरुदेव ने करवट बदली, आंखें खोली, क्यों जी तुम क्या सोच रहे थे? मैं सो रहा हूँ, बारात विदा हो गई तो हम सोचा कि थक गए होंगे। मैं सोता नहीं हूँ, मैं सोते सोते काम करता हूँ, मैं चुंबक फेंकता रहता हूँ और अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ता रहता हूँ, मैं चुंबक फेंकता रहता हूँ
और अच्छे अच्छे लोगों को, प्रतिभावानों को पकड़ता रहता हूँ। मैं कभी सोता नहीं हूँ, तुम ये मत सोचना मैं सोता हूँ। एक घंटे के दौरान जब मैं लेटा रहा, मुझे सब मालूम है तुम कब आए, कितने बजे आए, तुम आकर के तुम मेरे बारे में क्या सोचते रहे, तुम्हारे बारे में तुम्हारे मन में क्या क्या बातें आई अभी बता देता हूँ। वो सब बातें बता दी जो हमने सोची थी, सारी सारी बातें। योगी असावधान कभी होता ही नहीं है, संत कभी असावधान होता ही नहीं है, हमेशा सावधान रहता है। गुरुदेव हमेशा सावधान की स्थिति में रहते थे, सब कुछ चेतन होता है उसके लिए। एक छोटी सी घटना और सुनाता हूँ गुरुदेव की। गुरुदेव के एक बहुत परम शिष्य थे जो उनके ट्रस्टी भी थे, एडवोकेट थे, बहुत LLM एडवोकेट, हमारे यहाँ के सारे ट्रस्ट के काम वही करते थे। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया तो कोमा में चले गए। उनके लड़के, उनके भतीजे मेरे साथ ही काम कार करता थे यहाँ पे, डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता। और ये बात होगी करीब 1980-81 की। तो गुरुदेव ने, हम गुरुदेव के कमरे के बाहर बैठे हुए शांत चुपचाप, गुरुदेव को बताए कैसे, गुरुदेव वो तो कोमा में चले गए। गुरुदेव के पास स्लिप पहुंच गई थी, गुरुदेव के पास स्लिप पहुंच गई थी, गुरुदेव सो गए पीछे वाले कमरे में, जो पीछे कोठरी है उसमें सो गए गुरुदेव। करीब एक घंटे बाद गुरुदेव उठे, क्योंकि गुरुदेव 12 बजे जग जाते थे, उठे एक घंटे बाद, और करीब 9 बजे होंगे, 9 बज रहे होंगे, 9 बजे उठे, बिल्कुल लाल मुंह, बिल्कुल ऐसे जैसे टमाटर जैसा होता है, सेब जैसा होता है ना, लाल वैसे लाल मुंह, बिल्कुल निद्रा के बाद ऐसा। बोले क्यों भाई, क्या हुआ शिवशंकर का? उन्होंने तुरंत उठते पूछा। तो फिर हम दोनों ने मेडिकल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है कि कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसके पास गया था, मैं आया हूँ, उसके सिर पे हाथ फेर के आया हूँ, तुम चिंता मत करो। तो आप तो यहाँ लेटे हुए थे, आप तो नीचे उतरे भी नहीं। नहीं, वो सावधान होता है संत, सोते सोते भी वो जागता रहता है, वो जागते जागते भी वो सारे काम करता रहता है। हम लोग से कहा गुरुदेव ने, तुम लोग जाओ उससे कहो, डॉक्टर से उसको रिलीज कर दें, घर ले जाए। हम लोग पहुँचे तो कोमा में थे, वास्तव में कोमा में थे। तो हमने तो सीधे जाके डॉक्टर को उपदेश सुना दिया गुरुदेव का, कि हमारे गुरुदेव ने कहा इनको रिलीज कर दीजिए। बोल तुम दोनों MD हो मेडिसिन में, पागल हो तुम दोनों, छोड़ दो अपनी MD डिग्री, इनको कैसे रिलीज कर दूं? तो अंदर से उनकी आवाज़ आई शिवशंकर जी की, छोड़ दीजिए, ये गुरुदेव का संदेश लेके आए। कोमा से कब निकला है भाई तुम? वो कोमा से निकल आए, और उसके पश्चात वो 4 साल जिंदा रहे। 4 साल जिंदा रहे, उस पीरियड में उन्होंने मिशन के लिए जितने जरूरी काम थे, पूरा ट्रस्ट का आने वाले समय में 40-50 साल में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनको कैसे पालन करना है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे उन्होंने। अपने खुद के जो बिजनेस था इतना बड़ा, उसका इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का। और एक आश्चर्य की बात बताता हूँ कि उनके पास इनकम टैक्स कमिश्नर आया, क्योंकि वो लोग बार बार वसूलने की कोशिश कर रहे थे। इनकम टैक्स कमिश्नर आया, ये सोच रहा था कि तो कोमा में थे, इनको क्या मालूम होगा, इनको क्या डेटा याद होंगे, और ये डेटा भी याद नहीं होंगे। उन्होंने बैठे बैठे सारे आर्थिक आंकड़े, जितने उनके घर के भाइयों के बच्चों के सबके थे, सबके एक एक के इनकम, ऑडिट, क्रेडिट, सब कुछ नोट करा दिए। ये नोट कर लीजिए आप, और फिर इससे मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद वो कह गए, आपके गुरु कौन है ये बताइए, हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं। क्योंकि आप कोमा की स्थिति में भी आपको याद रहा, और आपकी मेमोरी, स्मरण शक्ति इतनी बड़ी है। और उसके पश्चात वो 4 साल के बाद गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरे समय आ गया, अब तो अगली बार नहीं आएगा। उन अगली बार नहीं आ पाए वो, अगली बार उनको फिर से स्ट्रोक आया, फिर डेथ हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूँ, संत कभी असावधान नहीं होता, संत हमेशा जागरूक, जागृत, सावधान की स्थिति में होता है। सावधान मानद मदहीना, असावधान होता ही नहीं कभी संत, सब कुछ चेतन होता है उसमें, उसकी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी मेडिकल वाली नहीं होती, भगवान विराजते हैं उसके अंदर। निद्रा में भी उसका शरीर विश्राम करता है, पर मन, मस्तिष्क जगा रहता है। आदिशंकर लिखते हैं संत की स्थिति के बारे में, निद्रह समाधि स्थिति, उसके निद्रा समाधि की स्थिति जैसी होती है, उसकी नींद जो है समाधि की स्थिति जैसी होती है। समाधि में हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के पार चले जाते हैं, चेतना उनकी तुरीय अवस्था में चली जाती है, त्रिआयामी जीवन से चतुर्थ आयाम में चले जाते हैं। तुरीय अवस्था चतुर्थ आयाम, फोर्थ डायमेंशन कहलाती है। जागृति की तरह चैतन्यता और जिसमें सुषुप्ति की तरह विश्राम हो, जागृति की तरह चैतन्यता और सुषुप्ति की तरह से विश्राम हो, ऐसी होती है तुरीय अवस्था। हम ज़्यादातर स्वप्नावस्था में रहते हैं, और बचपन से ऐसा होता आ रहा है, बचपन से ऐसा होता रहा। मुस्लिम कथाओं में लिखा है,
बच्चे सोते समय फरिश्तों से बात करते हैं। मुस्लिम कथाओं में अगर तुम पढ़ो कभी, वो कहते हैं बच्चों को उठाना मत कभी। बच्चा हंस रहा हो, रो रहा हो और सपने में नींद में हो तो उसको उठाना मत कभी। एक दो साल का बच्चा जो होता है, दो साल तक का बच्चा, वो फरिश्तों से बात करता है। बच्चे सोते समय फरिश्तों से बात करते हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है बच्चों का विकास निद्रा में होता है। उस अवधि में यादों की गुदगुदाहट में रहते हैं। कभी तुमने बच्चे को सोते हुए देखा है? कभी कहाँ हंसते हैं, कभी रोते हैं, क्यों? पूर्व जन्म की यादें एक डेढ़ साल तक बनी रहती हैं, पर वो विवेक नहीं होता ना, बुद्धि नहीं होती ना, इसलिए बता नहीं सकते। देखो उनको पूर्व जन्म में हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, ऐसे थे, वो बता नहीं सकता क्योंकि बोल ही नहीं पाता बेचारा, बोल ही नहीं सकता। पर वो एहसास होता है उसको, मुस्कुराहट आ रही है, क्यों? अरे ऐसा था और देखो कहाँ, किस घर में आके बिठा दिया मुझे, और ऐसा था कितने अच्छे घर में आके बिठा दिया मुझे। वो मन ही मन सोचता है, मन ही मन सोचता है, पर ये अचेतन अवस्था में चल रहा है पूरा के पूरा, सुषुप्ति की अवस्था में। पिछले जन्म की यादों में अवते अवचेतन, चेतन, सचेतन, तीन ग्रेड्स होती हैं, अवचेतन, चेतन, सचेतन। ये सब अपने सपने याद रहते हैं। सुषुप्ति 6 घंटे से की भी हो सकती है और आधे घंटे की भी हो सकती है, किसी भी स्थिति को। सावधान वह अवस्था है निद्रा में, तुरीय अवस्था, समाधि अवस्था। सावधान वह अवस्था है निद्रा में भी, समाधि अवस्था। ये रूपांतरित जीवन की कथा है। इसी जीवन में भगवान प्रवेश कर सकता है, भगवान इसी जीवन में प्रवेश करता है, सावधान की स्थिति में प्रवेश करता है। दूसरा शब्द है सावधान के बाद, सावधान के बाद क्या है? मानद। मानद देने मान देते हैं दूसरे को, दूसरे को सम्मान देते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। संतों को, असली संतों को तुमने देखा हो, कोई भी चला जाए तो सम्मान देते हैं, नमस्कार करते हैं, बिठाते हैं अपने पास। मान लेने में विश्वास नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक लिखा है, शिक्षा अष्टक, उसमें लिखा है अमानिना मानी देना, अमानिना मानी देना। खुद के लिए मान नहीं, दूसरे को मान देना। कीर्तनीयो सदा हरि, ये संत के लक्षण हैं, हमेशा हरि का कीर्तन करते रहते हैं, ये संत के लक्षण हैं। संतों की जो उन्हें मानवी गरिमा पर परमात्मा की सर्वव्यापकता पर विश्वास है। स्वामी शिवानंद महापुरुष महाराज, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, विवाहित शिष्य, प्रेसिडेंट थे उस समय, उनके शिष्य थे गंभीरानंद। गंभीरानंद जी ने किताब लिखी युग नायक विवेकानंद, तुमने देखी है अपनी लाइब्रेरी में? युग नायक विवेकानंद, युग नायक विवेकानंद पढ़ी है? न पढ़ी हो तो अपनी लाइब्रेरी में से पढ़ना तुम लोग, है ना, न हो लाइब्रेरी में तो मंगवा लेना। युग नायक विवेकानंद 3 वॉल्यूम है, बहुत विद्वान थे, उन्होंने बहुत लिखा है विवेकानंद के ऊपर और रामकृष्ण परमहंस के ऊपर। तो गंभीरानंद उनके शिष्य थे स्वामी शिवानंद के। हम तो नहीं जानते स्वामी शिवानंद के बारे में, 1938 में उनकी डेथ हो गई थी, पर गंभीरानंद जी ने उनके बारे में बताया, उनके बारे में लिखा है। उच्च कोटि के विद्वान थे वो, जो भी कमरे में घुसता उनके कमरे में, बीमार चल रहे थे, तकलीफ थी, परेशानी थी, परेशानी थी, पर बता, हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, सबको प्रणाम करते थे। गंभीरानंद को भी प्रणाम करते थे, आप हमारे गुरु हैं, आप क्यों प्रणाम करते हैं? बोले तुझे नहीं प्रणाम करता मैं, तू मत समझ तेरे को प्रणाम कर रहा हूँ, तेरे अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ मैं। जब अंदर आता हूँ और यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर तुमको नमस्कार करता हूँ और तुमको बैठने को कहता हूँ, तो मैं तुमको नहीं नमस्कार करता, तुम सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। तुम सबके अंदर जो परमात्मा तत्व विराजमान है, जो तुमको खींच के लिए यहाँ ले आता है और यहाँ ला करके बिठा देता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ये मास्टर महाशय जो है ना, मास्टर महाशय जो एम एम जो लिखा है ना, एम श्री म, जिन्होंने संत रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत लीलामृत लिखे हैं, मास्टर महाशय जो है ना, ये एक मोर की तरह से है। मोर, मोर कौन सा होता है? एक मोर को एक बगीचे वाले ने अफीम खिला दी, फिर दूसरे दिन फिर आया, फिर अफीम खिला दी, तो हर दिन आने लगा। मोर की वजह से सारे के सारे बगीचे में माली की रौनक हो गई, सब आने लगे। तो बोले मैं इसको अफीम खिलाता रहता हूँ, इसलिए मेरे पास आता रहता है, नियमित रूप से आता रहता है, और ये आता है तो तुमको खींच खींच के बुला लेता है। तो क्या करता है, ये तुमको अफीम खिलाता है, अफीम का एक चसक चस्का लग जाए ना, तो बार बार आने का मन करता है। मैं तुमको जो कथाएँ सुनाता हूँ, तुम मेरे पास बार बार खींचे चले आते हो, तुम यहाँ बैठ जाते हो, कोई अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, आओ आनंद लो और इस कथा के, इसके माध्यम से अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। गंभीरानंद जी
बोलते हैं महाराज आप हमको नमस्कार क्यों करते हैं, आप हमको प्रणाम क्यों करते हैं, बार बार कहते हैं प्रणाम, बार बार कहते हैं प्रणाम। मेरे पिताजी इस समय बहुत उस स्थिति में चले गए हैं, परमहंस स्थिति में, 92 की एज चल रही है, और इस समय वो आते हैं सबसे पहले मुझे प्रणाम करते हैं। मैं कहता हूँ पापा चरण स्पर्श, पापा को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। पापा का मैं चरण स्पर्श करता हूँ, पापा मुझे चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पापा के मैं हाथ को ऊंचा उठाता हूँ फिर बिठाता हूँ उनको। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, उनके वो बिल्कुल ऊंची स्थिति में चले गए हैं, अब उनको कोई होश नहीं है, उनको कुछ नहीं है। पर परम पर महापुरुष महाराज जो थे वो विद्वान भी थे, होश में भी थे, जागृत भी थे, सावधान भी थे, और वो कहते हैं तुझे नहीं तेरे अंदर विद्यमान परमात्मा को नमन करता हूँ, मुझे ठाकुर के कारण सबके अंदर उसके इष्ट आराध्य दिखाई पड़ते हैं, ठाकुर ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे सबके इष्ट आराध्य दिखा दिए, तेरे इष्ट दिखाई देते हैं, तेरे आराध्य दिखाई पड़ते हैं। तो बोले बिल्ली को प्रणाम क्यों करते हैं, बोले आपके पास एक बिल्ली आती है जो आप उसको प्रणाम करते हो, आके आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है, क्या वो भी पूर्व जन्म की कोई योगी है, कोई संत है? तो बोले बिल्ली के अंदर भी भगवान है, मैं बिल्ली के अंदर बैठे भगवान को प्रणाम करता हूँ। बोले कुत्ता भी है आपके चरणों में आता रहता है और यहाँ घूमता रहता है, पूंछ घुमाता रहता है, बोले उसके अंदर भी परमात्मा है, उसको भी प्रणाम करता हूँ। तो किसी को पागलपन लग सकता है, पर ये पागलपन नहीं है, ये वास्तविकता है कि हर आदमी के अंदर भगवान है। मानद सबको मान देना, सबको सम्मान देना, सम्मान देना इतनी बड़ी चीज़ है, हर आदमी सम्मान का भूखा है, सम्मान पूर्वक बात करना। मान रहित मदहीना, अपने में भी बाहर सब और परमात्मा, एक ऐसे लोग संत लोग कभी मान देने में संकोच नहीं करते। अभिमान रहित मान देने का, अभिमान रहित, अभिमान क्या होता है, मैं का होता है, मैं क्यों प्रणाम करूं इनको, आ गए मैं जाने कहां से आ गए, बैठिए जरा, हाथ जोड़ने में क्या जाता नमस्कार करने में, नहीं हमसे हाथ नहीं जोड़ते बनता, हम जानते हैं बड़ा दुष्ट है, दुष्ट हो चाहे कुछ भी हो उसके अंदर भी तो परमात्मा है, उसका नमस्कार कर दो, उसको मत करो। इनका मैं है ही नहीं, संतों का तो मैं ही नहीं होता, इनका मैं नहीं होता, ये मैं बड़ा विचित्र है। मैं छाती में खूंटे की तरह तकलीफ देता है, मैं बार 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 बार, उसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, मैं क्यों उसको नमस्कार करूं, उसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। कई बार हमारे शांतिकुंज में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे जो हैं वो आके हमको बताते हैं वो लड़का ठीक नहीं है, भाई साहब डॉक्टर साहब वो लड़का ठीक नहीं, क्यों प्रणाम ही नहीं करता हमको। अरे तो आपको प्रणाम नहीं करता तो ठीक नहीं है क्या, चरित्र खराब है उसका? नहीं चरित्र खराब की बात नहीं है, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को करना चाहिए। प्रणाम नहीं किया तो खूंटे में खूंटा चुभ गया अभिमान का, हमको प्रणाम क्यों नहीं किया। भाई ये तो उसकी इच्छा के ऊपर है, वो जिसको प्रणाम करे चाहे करे, नहीं करे तो नहीं करे, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं यहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी कहता हूँ झुक करके नमस्कार कर लो, इतना बहुत है बस, चरण छूने की जरूरत नहीं है, चरण छूने की जरूरत नहीं, चरण छूना सबको सबके लिए संभव नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मैं यंत्री, मैं वे यंत्री, मैं यंत्र, वो मेरे यंत्र को चलाने वाली हैं देवी माँ मेरी काली, और मैं यंत्र हूँ। आप भी अपने आप को यंत्र क्यों नहीं मान लेते, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ और वो भगवान चलाने वाले हैं, गुरुदेव मेरे को चला रहे हैं और मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में उनके माध्यम से चल नहीं सकता क्या, मैं ऑपरेट नहीं हो सकता क्या। परम पूज्य गुरुदेव गोष्ठी ले रहे थे सवेरे सवेरे, बोले बेटे भगवान तुम्हारे भीतर आने के लिए तैयार है, मैंने उसको बुला के रखा है, पर तुम्हारा अहम धक्के मार मार के उसको बाहर निकाल देता है। तुम्हारा अहम जो है इतना ज़्यादा है, तुम्हारा जीवनदानी होने का अहम, तुम्हारा कार्य करने का अहम, हमने इतना काम किया गुरुदेव के लिए, हमने शांतिकुंज के लिए इतना काम किया, हमने ये किया वो किया, अहम की टक्कर सबसे ज़्यादा उनमें होती है जो कुछ देते हैं, जो कुछ पैसा देता है ना, पैसा देता है उसको अहंकार हो जाता है, मैंने इतना पैसा दिया, मैंने 100,000 रुपया दिया है यहाँ के निर्माण के लिए, मैंने 500,000 दिया है, आपने बोला नहीं, आपने बोल के नहीं सुनाया, उसको बोलते हैं मंच मंच की वाले को आप बुलवाइए, तो सब जगह जो बुलवाया जाता है ना, ये बुलवाया जाता है, 500,000 इनके दिए, 100,000 इन्होंने दिया, 200,000 इन्होंने दिया, लाख दिया तो ठीक है, पर जीवन दानियों को का जीवन जो मिल जाता है उसके बाद उनके अंदर इतना अहंकार आ जाता है। कोई जीवनदानी बैठे हैं जितने भी, बुरा न माने, किसी तरह का बुरा न माने, जीवन दान का अहंकार सबसे बड़ा अहंकार। अरे और उन्होंने तो क्या दिया, पैसा दिया होगा सब दिया, हमने अपना जीवन दे दिया पूरा पूरा, जीवन दे के क्या कर लिया आपने, अहंकार गया कि नहीं आपका, आपने गुरुदेव के चरणों में अपने आप को अर्पित किया ना, तो गुरुदेव जैसे बने कि नहीं, गुरुदेव के अमानी ना मानी देना वो वाला स्वरूप आया कि नहीं, संतत्व आपके जीवन में आया कि नहीं, ब्राह्मणत्व जीवन में आया कि नहीं, ये बात सबसे ज़्यादा समझने लायक जरूरी है। तो हम जो हैं, गुरुदेव कहते हैं खूब जोर से
गुरुदेव हंसते हुए कहते हैं कि भगवान आता है पर तुम धक्के मार मार के निकाल देते हो उसको बार बार, क्यों? तुम्हारा अहम बार बार उनको ठेल देता है, तुम्हारा अहम ठेल देता है। एक दिन गुरुदेव पैनल लिख रहे थे, अखंड ज्योति का पैनल पढ़ते हो ना तुम, कहानी पढ़ते हो, पैनल लिख रहे थे तो जोर से हंसे। बोले क्यों गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने आज एक कहानी लिखी है, तेरे को सुनाऊंगा, तुमको सुनाऊंगा। ईसा मसीह चर्च में गए और चर्च में गए तो उन्होंने देखा, गुरुदेव ने कहा कि मैंने लिखा, आज ही लिखा है। ईसा मसीह चर्च में गए, उन्होंने देखा कि मेरे नाम की बड़ी चर्चा हो रही है, हर हर पादरी मेरे बारे में बात कर रहा है कि यीशु को प्रणाम करो, यीशु को प्रणाम करो, यीशु के चमत्कार से ऐसा हो सकता है, यीशु के चमत्कार से प्रायश्चित करोगे, कन्फेशन करोगे, सब मिल जाएगा। बहुत सारी व्यवस्थाएं, इतने बड़े बड़े चर्च, इतने बड़े बड़े सारे के सारे। तो बोले ईसा ऐसा था, ईसा ऐसा था, ऐसा चमत्कारी था, चमत्कारी महापुरुष था, ये था, पर कोई ये क्यों नहीं बोल रहा? ईसा बोले, ईसा सोचने लगे ईसा चर्च में आके कि ये क्यों नहीं सोचता है कि ईसा संत थे, ईसा सूली पे चढ़े थे, ईसा दूसरों के लिए सेवा करने के लिए मरते थे, ईसा के मन में दूसरों के लिए करुणा थी, ये क्यों नहीं बोलता? ये क्यों बार बार बोले जा रहे हैं कि ईसा इतने बड़े थे? बार बार पादरी को बताया ईसा ने कि देखो भाई तुम ठीक करो, सब सीनियर पादरी वहाँ का आर्च बिशप उसको बताया तुम ठीक करो। आप कौन है भाई साहब? तो बोले मैं क्राइस्ट हूँ। तो अलग ले गए पकड़ के, किसी को बताना मत, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। क्राइस्ट कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, हमारा धंधा अच्छा चल रहा था, बीच में क्राइस्ट कहाँ से आ गया? क्राइस्ट को ले गुरुदेव ने लिखा है पैनल, वो पैनल लिखा हुआ मैं उसको बता दूंगा किसमें है, वो किस अखंड ज्योति में है। उन्होंने बताया कि तुमको किसी ने देखा तो नहीं? वो आर्च बिशप ने पूछा तुमको किसी ने देखा तो नहीं? बोले नहीं। बोले ये बातें मेरे बारे में जो तुम कह रहे हो सही नहीं है। ईसा बोले तुम जो कह रहे हो सही नहीं है। बोले अच्छा हुआ तुमको किसी ने नहीं देखा, अगर तुम्हारी असलियत बता देंगे हम कि तुम केवल सूली पे चढ़े थे तो तुमको कोई नहीं पूजेगा, हम तुम्हारे चमत्कार सुनाते हैं इसलिए आज हमारे पास इतना चढ़ावा आता है, इतने बड़े बड़े चर्च खड़े हुए हैं, हमारा चर्च का सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, तुम अब चले जाओ यहाँ से। सूली पे चढ़े थे ना, मर गए बस, तुम्हारे रोना, तुम यहाँ क्यों आ गए हमारे बीच में? देखा धर्म का हंसी मजाक। गुरुदेव बोले आज मैंने ये लिखा है कि गुरुदेव ने अपनी कल्पना शक्ति से नहीं लिखा होगा, गुरुदेव ने जरूर वो लिखा होगा जो हुआ होगा, कहीं ना कहीं हुआ होगा। मित्रों आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस में, कि इंग्लैंड में और अमेरिका में 70% to 80% चर्च या तो हिंदुओं के मंदिर बन गए हैं, या तो हिंदुओं के मंदिर बन गए हैं, या गुरुद्वारे बन गए हैं, या उनमें पब खुल गए हैं, या उनमें दुकानें शराब की चल रही हैं। धर्म के लिए कोई अब चर्च जाने को तैयार नहीं है, क्रिश्चियनिटी डूबती चली जा रही है, समाप्त होती चली जा रही है। ये क्या हो रहा है? क्योंकि क्राइस्ट के असली चीज को भूल गए लोग, क्राइस्ट के मर्म को भूल गए, करुणा को भूल गए। संत सावधान होते हैं, मानद होते हैं, मदहीन होते हैं, अहंकार नहीं होता स्वयं। इनको सम्मान मिले इससे कोई मतलब नहीं, हमें सम्मान मिले इससे कोई मतलब नहीं, अभिमान रहित। दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, यहाँ एक मिशन है आर्ष गुरुकुलम, तुमको कभी जाना हो, सही अर्थों में संत देखना हो। अब तो उनकी अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई, 84 हो गए और चल नहीं पाते, कोयम्बटूर में रहते हैं और यहाँ आते हैं ऋषिकेश में, मुझे बुलवाते हैं जब भी आते हैं, मार्च अप्रैल में आते हैं, यही समय है उनका आने का। और शीशम की झाड़ी करके ऋषिकेश में एक आश्रम है उनका, उसमें वो रहते हैं। बहुत गजब के आदमी, मैं जाता हूँ तो खड़े होकर के प्रणाम करते हैं मुझे और मुझे कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे काम को आप आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा महाराज आप ऐसा क्यों बार बार कहते हैं? आप स्वयं बहुत बड़े जगत गुरु हैं और आप इतना बड़ा आपने काम किया, इतना बड़ा आश्रम, इतनी जगह जगह आश्रम बना रखे हैं आपने, और आप हिंदू धर्म का सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती जी, महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्ष गुरुकुलम उन्होंने चालू किया। और दूसरे कल्याण देव जी महाराज, इन दो को मैंने देखा है, दो संतों को देखा है सही अर्थों में। कल्याण देव जी महाराज हाथ में जितना आ जाए उतना लेते थे, उतना खाते थे बस, और उसके बाद जो बचता था, जो पैसे जो भी उनकी भंडारे में आता था उससे स्कूल कॉलेज खोलते थे। 350 स्कूल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज मुजफ्फरनगर जिले में और इस पूरे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्वामी कल्याण देव महाराज के खोले हुए हैं, उनके द्वारा, उनके ट्रस्ट के द्वारा खोले हुए। ये ऐसे होते हैं संत,
संत ऐसे होते हैं जो खुद कम लेते हैं पर दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं। रहीम, बस अब मैं अंतिम उसमें आ रहा हूं, मैं रहीम नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। सेनापति बैरम खां के बेटे थे और उन्होंने, बैरम खां ने अकबर को राजगद्दी पर बिठाया था, तो बैरम खां का बेटा रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, और अकबर अच्छे मित्र थे। पर रहीम बहुत बड़े संत थे, रहीम के दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं। गोस्वामी जी की रहीम की दोस्ती थी, तुलसीदास जी की और रहीम जी की दोस्ती थी। एक बार अकबर से चर्चा की कि आप बहुत विद्वान हैं गोस्वामी जी, आप उनसे एक बार मिलें। बोले हमें भी दर्शन करा दो, दरबार में बुलाओ। दरबार में नहीं आएंगे वो, दरबार में नहीं आएंगे, आप चलिए, साधु संत राज दरबार में नहीं जाते। आप आगरा आप जाओ, और या तो आप वहाँ जाओ उनके पास बनारस, या वो आगरा आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, आप बनारस चलो। तो पूरा सम्राट था पूरे भारत का, तो पूरे तामझाम के साथ वो वहाँ गया, पूरे तामझाम के साथ कहाँ गया, बनारस दर्शन करने। पहले आगरा गया, वृंदावन गया, सब जगह देखा, फिर उसके बाद बनारस गया। अकबर ने तुलसीदास जी की बड़ी आवभगत की, खूब सारे उपहार लेके आए थे, वो लेके आए तो तुलसीदास जी ने कहा इसकी क्या जरूरत थी, कभी सादर सत्कार हुआ ही नहीं था उनका। पर साधु संतों में बड़ी चर्चा होने लगी, सारे साधु संतों में जो बनारस के संत थे उन सब में ईर्ष्या के पात्र बन गए तुलसीदास जी। कुछ चोर भी पीछे लग गए कि इतने सारे मोती चढ़े होंगे, तो चोर भी पीछे लग गए आश्रम के आसपास पूरे। पर चूंकि अकबर की सेना मौजूद थी इसलिए कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप चलें हमारे साथ हमारे राज दरबार में चलें, वहाँ लोगों को लाभान्वित करें। नवरत्न तो हमने रखे ही हैं, दसवां रत्न आपको बना देंगे। गोस्वामी जी ने कहा संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। सीकरी यानी फतेहपुर सीकरी उसकी राजधानी था आगरा। संतन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पन्हैया टूटी। आने जाने में चप्पल टूट गई हमारी, जूता टूट गया हमारा। पन्हैया यानी पाँव में पहनने की चीज। आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। हरिनाम बिसर गए हम हरि का, भगवान विष्णु का नाम भूल गए। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है, तो मैं तो प्रभु का नाम लूंगा, बस प्रभु का नाम लूंगा और प्रभु का नाम लेके जिंदा रहूंगा। अगला जो लाइन है, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। इनका धैर्य नहीं चुकता कभी। तिरुवल्लुवर के सामने एक बच्चा आया, लड़का आया, और एक कभी देखा था तिरुवल्लुवर को, बड़ा धैर्य है उनके मन में, संत हैं। उनके सामने उनसे एक साड़ी मांगी, एक साड़ी दीजिए, साड़ी ली, कपड़ा बेचते थे, साड़ी ली, साड़ी को फाड़ दिया दो में, लीजिए। उन्होंने कहा भाई तो ये तो आधी रह गई, किसी काम की नहीं रही। तो उसने आधी के भी कई टुकड़े कर दिए। बोले अब तो किसी काम की नहीं रही, तुम ले जाओ इसको। बोले आपको गुस्सा नहीं आता? तो बोले बेटा मैं गुस्सा करके करूँगा क्या, अब तेरे काम की रहेगी, तो उससे पोछा बना ले, चाहे पोछा बना के तो घर में सफाई कर ले, तुझे देना हो तो पैसे दे दे, नहीं देना हो तो मत दे, तेरी जो इच्छा हो। तिरुवल्लुवर सहनशीलता के साक्षात प्रतीक थे। कष्ट अनेकों जीवन में आते हैं, भगवत स्मरण निरंतर हो तो जिंदगी सुखद निकलती चली जाती है। भगवत स्मरण बराबर बना रहे, धैर्य धीर धर्म नहीं परम गति परम प्रवीणा। परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा एक बार, गुरुजी ने कहा मेरा शरीर तो कब का मर चुका है, पीड़ाएं सहते सहते मैं मर चुका हूं, भगवत संकल्प चला रहा है। साधु का संत का धैर्य अनंत होता है। कब तक साधना होगी, भगवान मिलेंगे, वह जिज्ञासा पैदा ही नहीं होती, जिज्ञासा पैदा ही नहीं होती, वो अनंत धैर्य का मालिक होता है, अनंत धैर्य। पेशेंस जो है वो सबसे बड़ी चीज है, धैर्य। धैर्य के बिना आदमी के जीवन में कोई विकास नहीं हो सकता, धैर्य होना बहुत जरूरी है। हम लोग माला करते हैं, एक 9 दिन का अनुष्ठान कर लिया, उसी में हम फूले फिरते हैं, छाती फूले, एक अनुष्ठान कर लिया, जल उपवास किया है, आपको मालूम है। तो क्या उससे क्या हो गया, लोग हजारों जल उपवास कर चुके हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप अहंकार में फूले फूले फिर रहे, उससे आप धैर्य रखिए। निरंतरता नियमितता जबकि रहेगी तो आपके जीवन में भगवान जरूर प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में गुण प्रवेश करेंगे भगवान के। गोस्वामी जी ने कहा कि राम ने एक अहिल्या तारी, पर उनके नाम ने अनेकों को तारा। नाम लेने से बड़ा कोई आनंद ही नहीं है, साधना इतने दिनों से कर रहे हैं, क्या मिला सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रभु से प्रेम के कारण साधना करता है। संत तो प्रेम, प्रभु से प्रेम के कारण साधना करता है, प्राप्ति की आकांक्षा से नहीं होता,
प्राप्ति की आकांक्षा जहाँ होती है वहाँ अहम जुड़ जाता है, इसलिए कोई धैर्य चुकता नहीं। प्रेम गहरा हो तो कष्ट कष्ट नहीं लगता। एक पहाड़ी पर शिवजी का मंदिर था, एक संत थे, 3 किलोमीटर की चढ़ाई थी, एक संत चले जा रहे थे, देखा एक लड़की अपने भाई को लेके जा रही है, ऊपर चढ़ रही है, उस पहाड़ी पे चढ़ रही है। उन्होंने कहा बेटा तू मुझे दे दे, तेरे से नहीं चढ़ेगा ये तेरा, ये कौन है? बोले मेरा भाई है। तेरा भाई है तो मेरे हाथ में दे दे। बोले क्यों? बोले बेटा बहुत भारी है, ये तेरे से नहीं चलेगा। बोले गलत समझ लिया आपने, भारी नहीं है भाई है, भारी नहीं है भाई। कितना बड़ा डायलॉग है, भारी नहीं है ये भाई है, और भाई से मैं प्रेम करती हूँ इसलिए इसको मैं उठा के ले जाऊँगी। और 3 किलोमीटर ऊपर तक वो गई और लेकर, भारी नहीं भाई है। इस मर्म ने संत को एक संदेश दिया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कुछ भी असंभव है नहीं है, सब कुछ होता है। प्रेम होता है तो वह सब कुछ संभव है। हमें भगवान से प्यार है कि नहीं? प्रेम गहरा हो तो ऊब नहीं आती कभी। धर्म गति, संत धर्म के मर्म को जानते हैं, धर्म की सूक्ष्मता को जानते हैं और भली भांति जानते हैं, धर्म का पालन करने में निपुण होते हैं। एक वर्ड आता है ऋषिकेश, ऋषिकेश वर्ड आता है। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश ने क्या हरिद्वार के पास वाला ऋषिकेश, मतलब उसका अर्थ बताओ। किसके पास? ऋषियों के बाल? नहीं बेटा, ये तो तुमने संधि विग्रह कर दिया। ऋषि के केश, ऋषिक धन ईश, लिखाओ, लिखो चलो अपनी कॉपी में, ऋषिक प्लस ईश। ऋषिक यानी इंद्रियां, ईश यानी स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। ऋषिक यानी इंद्रियां, ईश यानी स्वामी। बार बार अर्जुन बोलता है श्री कृष्ण को ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, तो क्या वो बड़े बालों की वजह से बोलता है भगवान कृष्ण? अरे हद होती है यार, ऋषिकेश नहीं बोलते बड़े बाल की वजह थोड़ी, ऋषिकेश में कहाँ बड़े बाल वाले मिलते हैं बताओ। ऋषिकेश ने, ऋषि के ने इंद्रियों के स्वामी, मात्र संतों के ऋषिकेश हैं, सबके नहीं। वो इंद्रियों के स्वामी हैं तो किसके? जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, प्राप्त कर लिया। धर्म की गति पर जो चलता है, धर्म का क्या मतलब है? धर्म का अगर एक शब्द में परिभाषा करनी हो तो क्या है? अपने ऊपर अपना नियंत्रण, किसी और का नहीं, अपने ऊपर अपना नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर संयम, अपनी इंद्रियों की गति किस ओर जा रही है? धर्म की गति सही चल रही है कि नहीं? इंद्रियों की गति किस ओर जा रही है, इस पर नियंत्रण। बस ऐसा व्यक्ति धर्म की गति को अपने जीवन में जब उतार लेता है और उसी के समान चलता है तो परम प्रवीण हो जाता है। परम प्रवीण यानी परम बुद्धिमान, परम प्रवीण, परम प्रवीण, और परमात्मा के मर्म को जानने लगता है। फिर उसके आचरण में कभी कोई दोष नहीं रहता, क्योंकि सभी आचरण के दोष किसके कारण है? किसके कारण है? इंद्रियों के कारण। इंद्रियों के कारण दोष हैं, इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण है, ऋषिकेश है, इसलिए वो कभी गड़बड़ाता नहीं, उच्छृंखल नहीं होता। भगवान के ऋषिकेश स्वरूप से संत परिचित हैं, इसलिए वो कभी भी गड़बड़ाते नहीं। वो वासना के स्वामित्व में नहीं जीते, वो भगवान के स्वामित्व में जीते हैं। ऋषि संत वासना के स्वामित्व में नहीं जीते। चलो एक ध्यान करेंगे आज रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस ने वासना पर नियंत्रण प्राप्त किया था, और रामकृष्ण परमहंस ने एक इतना बड़ा महापुरुष हमें दिया, एक नहीं पूरा संघ दे दिया हमें महापुरुषों का। आज का ध्यान जो है वो रामकृष्ण परमहंस का ध्यान, बस 2 या 3 मिनट का ध्यान केवल। लाइट्स बंद, शांत चित्त, स्थिर शरीर, सावधान शब्द सब समझ में आ जाएगा तुमको। सावधान, स्थिर शरीर, शांत चित्त, दोनों हाथ गोदी में, मन पूरी तरह से अपना यहीं ले आओ, हॉस्टल से, अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अपने मित्रों से, माता पिता से, सबसे यहाँ ले आओ। और बार बार यही सोचो कि हम गायत्री कुंज, शांति कुंज में बैठे हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव का स्थान है। परम पूज्य गुरुदेव का पूर्व जन्म जिनके रूप में हुआ था वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस गंगा के किनारे
तपस्या करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, कष्ट सहते हुए छोड़ा, गुणों के समुच्चय, महापुरुषों के जनक कामिनी कांचन की परिभाषा जिन्होंने सही ढंग से समझाई, ऐसे रामकृष्ण परमहंस उनका आकृति उनके जीवन में लाने की कोशिश करें, जिन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया, जिन्होंने औरों को नियंत्रण करना सिखाया, उस जमाने की नई पीढ़ी को उन्होंने सही अर्थों में सही दिशा दी जो पाश्चात्य प्रभाव में आ रही थी। साधना की नई परिभाषाएं दी, छोटे छोटे से छोटे छोटे सूत्र दिए उन्होंने रामकृष्ण वचनामृत के माध्यम से। रामकृष्ण परमहंस अपने कक्ष में बैठे हैं, हम एक छोटे विवेकानंद, हम एक छोटी निवेदिता, हम एक छोटी सिस्टर क्रिस्टीना, हम एक छोटे ब्रह्मानंद महापुरुष महाराज, छोटे छोटे से हम लोग, हम उनके सामने बैठे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके साथ एक लय होने का ध्यान, एकात्मता का ध्यान। वो उठते हैं समाधि से और उठते हैं और हमारे सिर पे हाथ रखते हैं, हमारा भी समाधि लग जाती है, हम सब समाधि में लीन, परम सुख भगवान के सामीप्य का। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव साक्षात अवतार थे, जो कभी राम था, जो कभी कृष्ण था, वही आया था रामकृष्ण बनकर, ब्रह्मों को से मुक्ति दिलाई, हजारों लाखों लोगों करोड़ों लोगों का इतना बड़ा संघ खड़ा किया, इतना बड़ा मिशन खड़ा किया। कुल 13 शिष्य छोड़ के गए थे, पर 13 शिष्यों ने मिलकर के अपने गुरु की शक्ति के सहारे क्या से क्या कर डाला। ऐसे ठाकुर श्री रामकृष्ण देव, उनका ध्यान, संतों का ध्यान हमें संतों की ओर ले जाता है, संतों के जीवन की ओर ले जाता है। कभी गुस्सा नहीं किया उन्होंने, कभी गुस्सा नहीं करते थे। संत हृदय नवनीत समाना, नन संत के रूप में साक्षात श्री रामकृष्ण देव, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव। लोगों ने कई कई तरह से परीक्षा ली उनकी, पर उन्होंने कभी भी उस परीक्षा में असफल नहीं होने दिया अपने आप को। ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ठाकुर श्री रामकृष्ण देव। उन्हें संगीत बड़ा प्रिय था, संगीत प्रिय था, तो अपने प्रिय शिष्य से उन्होंने कहा, तुम मेरा प्रिय गाना गाओ, चलो रे मन निज निकेतने संसार देशे। संसार जो है लौकिक है, और अपनी जो अंतरात्मा है वो विदेश में है, वहां जाना है हमको। युवाओं को, तार्किकों को संतत्व की परिभाषा सिखाना कितना कठिन काम है, ये वही समझ सकता है। मैं कोशिश करता हूँ तुम लोगों के जीवन में भागवत तत्व आए, भगवत्ता आए, ये उसी रामकृष्ण परमहंस की वजह से, जिस रामकृष्ण परमहंस ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में फिर से जन्म लिया। तुम सब उन्हीं के अंगवयव हो, तुम सब उन्हीं के कण कण में संव्याप्त हो। मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, प्रार्थना करें कि हमारे अंतर जगत में शांति व्याप्त हो, आज जो हमने सुना है वो हमारे जीवन में स्थापित हो। आरती। ओम यम ब्रह्म
शोधगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय ओम यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः आरति श्री रामा फास्ट स्पीड से बिना रिपीट किए हाँ जी आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कल कल लित सियपी की आरती दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विसारत सुन सन कादि शेष अरुसारत वरनि पवन सुत कीर्ति नीकि आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दश छओ शास्त्र सब ग्रंथ कोरस मुनि जन धन संतन को सर्व सार संबंध सभी की आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट शंभ मुनि विज्ञानी व्यास आदि कपि वर्ज बखाने काग भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरे अमेकी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की दोनों हाथ ऊपर कर लें ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् दोनों हाथों को रगड़ें आरती लेने का भाव आरती के साथ उस ज्ञान को भी आत्मसात करने का भाव जो आपने आज सुना शांति पाठ ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति नापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु ओम नमो स्वरताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे सहस्रकोटि युगधारिणे नमः विधाता तू हमारा है तुगिवे ज्ञान दाता है विधाता तू हमारा है तुहे वे ज्ञान दाता है